ये देखिए क्या खतरनाक लग रही है, बिल्कुल औसम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक जो है वो 623 किलोमीटर चली हुई है और बाइक में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बाइक यहाँ बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मेरे पास 1 लीटर बॉटल में पेट्रोल है, वो मैं इसमें डालूँगा और सबसे पहला काम कर देते हैं यहाँ पर ट्रिप जो है वो ज़ीरो कर देते हैं, ओडो ट्रिप 1। तो इस ट्रिप को हम कर देते हैं ज़ीरो। तो ये ट्रिप हो गई है ज़ीरो और इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका माइलेज क्या आता है। और ये हो गई बाइक स्टार्ट और अभी माइलेज टेस्ट हमारा MT-15 का शुरू होता है और देखते हैं। वैसे मुझे लगता है माइलेज बहुत ही अच्छा है क्योंकि काफ़ी देर से राइड कर रहे हैं और कल से अब तक बहुत ज़्यादा राइड की है, बट पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ था बिल्कुल। एक पॉइंट उसका बहुत लंबा ब्लिंक किया। चलने में तो बाइक बहुत ही मक्खन चलती है और बहुत मज़ा आ रही है इसको चलाने में, बहुत कॉम्पैक्ट सी है बिल्कुल। पिकअप इनिशियल बहुत अच्छा है इसका, तो भीड़ में आपको काफ़ी मज़ा आने वाली है इस बाइक को राइड करने में। तो भाई आज हम कर रहे हैं माइलेज टेस्ट MT-15 का और हमारी गाड़ी चल चुकी है 5 किलोमीटर। ये देखिए 5.1 हो गया है और अभी हम हैं फैजाबाद रोड पे, हाईवे पे मेन, और हम ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं ताकि माइलेज जो है वो सही आ पाए। ओवर स्पीडिंग कर देंगे तो माइलेज हो जाएगा कम। तो देखना है इस एपिसोड में कि ये कितना टॉप जाती है। टॉप मतलब स्पीड नहीं है, टॉप मतलब टॉप एंड नहीं है, टॉप मतलब है माइलेज में टॉप कितना जाती है। और ये रही SSK कार, वहाँ खड़ी है एक धुआंधार कार, मज़ेदार कार। किसी दिन जाएंगे अपन, इसका भी एक अलग एपिसोड बनाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं जय भैया के पेट्रोल पंप की तरफ क्योंकि हमारी बॉटल हो गई है खाली। तो पेट्रोल कैसे निकालें उसमें, कुछ जुगाड़ वही देंगे हमें, क्योंकि अगर बीच में माइलेज ख़त्म हो गया इसका तो फिर हम रह जाएंगे रास्ते में और फिर धक्का देना पड़ेगा हमें। क्या रास्ता है, वाह वाह भाई वाह, क्या बात। जय राम जी की भैया, नमस्कार, जय नमस्ते 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 बेटा नमस्ते। अरे दादाजी, बारह अंकी आगे क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे निकले। सोच रहा हूँ किसी को लिफ्ट दे देता हूँ 12 अंके तक। 12 अंके कोई नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। गाड़ी 6.3 किलोमीटर चल गई है, धका धक चल गई है, मज़ा आ रही है बिल्कुल, चीर फाड़ के। गाड़ी में एक दिक्कत यह है कि सीट जो है वो मुझे इसकी कंफर्टेबल नहीं लग रही है। मैं निकला था इस गाड़ी को लेके 12 बजे के आसपास और अभी बज रहे हैं 2, मतलब 2 घंटे में मेरा पिछवाड़ा हो गया लाल, लाल मिर्च समझते हो ना, वैसा हो गया बिल्कुल। अब मन कर रहा है मैं खड़ा हो जाऊं बाइक पे, लेकिन माइलेज टेस्ट ख़त्म करना है हमें, एक और आपत्ति कर नहीं सकते यार। जल्दी से माइलेज टेस्ट ख़त्म हो और RS पे भौकाल जमाएं हम।
BMW X5 X Drive 30D। देखिए क्या खूबसूरत लग रही है, एकदम नई नई चमचमाती हुई BMW X5। क्या बात, नई गाड़ी खरीद के तो वो भी BMW। बड़े लोग महंगी बातचीत। ये है क्राउन मॉल। लखनऊ में एक टाइम था जब सिर्फ एक मॉल हुआ करता था और वो है सहारागंज। वहाँ जाते थे, PVR में मूवी देखते थे, पॉपकॉर्न खाते थे। आज लखनऊ में मॉल ही मॉल, हमारा घर भी एक मॉल जैसा हो गया है। वहीं पिक्चर देखो, वहीं खाओ, वहीं पियो, सब वहीं करो। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीज़ें खुली नहीं है। मूवी थिएटर में देखे तो एक ज़माना हो गया, एक टाइम था जब रात में हम मूवी जाया करते थे, ऑलमोस्ट कोई मूवी हम छोड़ते ही नहीं थे। अब अमेज़न प्राइम पे मूवी देखो, ज़माना बदल गया है मेरे दोस्त, क्या कर सकते हैं। 10 किलोमीटर गाड़ी हमारी गई, चल तो भाई हार्ले डेविडसन का एक शोरूम है यहाँ पे, मज़ा, महंगी बातचीत। अब हम पहुंच गए हैं इंदिरा नहर, शारदा नहर। देख लीजिए, ये है शारदा नहर। भाई साहब उल्टे मत आया करिए, शारदा नहर में पानी भरा है ज़बरदस्त। इधर ऊपर जाके हम लोग कभी कभी वीडियो बनाते हैं, अभी लेके हम जाएंगे सीधे। हम पहुंच गए हैं कालिका हवेली, यहीं पे आते हैं चाय पीने जब मूड करता है चाय पीने का। मतलब 17-18 किलोमीटर आके हम यहाँ चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय। और ये है जय भैया का पेट्रोल पंप, ESSAR। तो जो लोग बाराबंकी में हैं या जो लोग बाराबंकी से हैं वो यहाँ आ सकते हैं। पता नहीं जय भैया है कि नहीं है, फ़िलहाल हम एक आगे का राउंड मार के आते हैं क्योंकि हम कर रहे हैं माइलेज टेस्ट। और हमारे सामने अयोध्या है 117 किलोमीटर, जहाँ बन रहा है राम मंदिर। किसी दिन देखने जाएंगे कैसा है राम मंदिर, मस्त मज़ेदार एकदम। फिलहाल यार अब पक गए हैं और कहीं बाहर राइड करने का मूड है, ट्रैवल करने का मूड है। और पता नहीं यार कब से खुलेंगे रास्ते। उत्तराखंड केदारनाथ जाने का मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है। अगर किसी को केदारनाथ के बारे में कोई आइडिया है तो यार कमेंट करके बताओ, क्या मैं मतलब वहाँ जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चेकिंग हो रही है, कैसे क्या करना है। तो अगर बताओगे तो मैं ट्रैवल कर पाऊँगा, तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो अगर किसी को नॉलेज है तो यार प्लीज़ कमेंट करना। तो अभी अपन ने कंप्लीट कर लिए 22.3 किलोमीटर और हम चले जा रहे हैं। कहाँ तक जाना है ये नहीं पता, क्यों कि हम माइलेज टेस्ट कर रहे हैं यार, जाना ही नहीं है कहीं, लौट आएंगे अभी। इस MT-15 में एक ही चीज़ दिक्कत करती है, वो है इंडिकेटर का स्विच। मतलब हमारी आदत है यहाँ पे तो हम अक्सर हॉर्न पे ऐसे हाथ जाता है, और जब हॉर्न मारना होता है तो यहाँ हाथ जाता है यहाँ नीचे। तो ये दोनों का रिप्लेसमेंट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि इस चीज़ की आदत नहीं है हमें। तो बाइक ने दूसरा माइलस्टोन भी अचीव कर लिया है, 40 किलोमीटर पहुंच चुकी है बाइक। तो मतलब आपको 40 का माइलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। माइलेज के मामले में बाइक अच्छी जा रही है अभी तक, आगे देखते हैं क्या होता है। तो बाइक ने 50 किलोमीटर का माइलेज पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये तीसरा माइलस्टोन है इसका जो इसने अचीव किया है। मतलब 50.2 किलोमीटर डन हो गए हैं, बहुत ही बेहतरीन माइलेज है यार MT का। अभी हल्का हल्का छोड़ रही है बट उस लेवल का नहीं छोड़ रही है, और ये शुभ काम भी कर देगी हमें लग रहा है, 51 भी कर देगी। बहुत बढ़िया, 53 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और इस बाइक ने जो माइलेज दिया है यार, दिल खुश करने वाला माइलेज है ये। मतलब एक्सट्रीम लेवल का माइलेज है 53, यार मायने रखता है।
फिर छोड़ने लगी, ना 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 ना, हाँ पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं ये, पॉल्यूशन चेक कराइए आप अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 57.2 का माइलेज आया हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत माइलेज है। मतलब एक 155 सीसी की बाइक के लिए ये माइलेज बहुत ही ज़्यादा है। और ये जय भैया का पेट्रोल पंप PSSR, मैं यहीं से पेट्रोल डलाने वाला हूँ। और जय भैया अभी है नहीं, तो देखते हैं कि जय भैया कितनी देर में आते हैं।